तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको हमारा जो बीजीए रिवर्क स्टेशन है R6860 उसके बारे में पूरा इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि जिसके अंदर ऑप्टिकल अलाइनमेंट रहता है, ऑटो पिक एंड ड्रॉप रहता है, जो कि मेक इन इंडिया के अंतर्गत यहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। तो आइए आपको उसके जो फीचर्स है उसके बारे में बताता हूँ और एक प्रैक्टिकल भी हम इसके ऊपर करके देखेंगे। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे थ्री हीटर्स लगे होते हैं। थ्री हीटर जोन है, अपर हीटर है, डाउन हीटर है, और ये जो है IR प्लेट्स लगे हुए जो कि PCB को प्री हीट करने के लिए रहते हैं, और ये प्लेटफॉर्म को मूवमेंट करने के लिए ये उसके माउंटिंग जो है, जो कि काफ़ी वाइड प्लेटफॉर्म है जिससे बड़ी साइज़ का PCB जो है इसके ऊपर ऑपरेट हो सकता है। ये हीटर को अप डाउन करने के लिए यहाँ पे प्रॉप दिया गया है जिससे हीटर को हम अप डाउन कर सकते हैं। डाउन हीटर को ये स्पॉटलाइट दी गई है लाइटिंग के लिए, और यहाँ पे कैमरा यूनिट है जिसमें अप एंड डाउन साइड में लाइट दी गई है जिससे कि आप ऑब्जेक्ट को फोकस कर सकते हैं, प्रॉपरली लाइट अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो जॉयस्टिक है उससे आप यहाँ ये जो जॉग है उसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। ऐसे करने से जॉग जो है अप एंड डाउन होगा, और ये लेफ्ट राइट करने से कैमरा जो है जूम इन जूम आउट होता है। यहाँ पे कैमरा बॉक्स की लाइट के लिए, अप एंड डाउन लाइट के लिए रेगुलेटर्स दिए गए हैं जिससे आप लाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को प्रॉपर फोकस कर सकते हैं। यहाँ पे ये फोर्थ सेंसर दिया गया है जिससे आप एक्सटर्नली कहीं पे भी माउंट कर सकते हैं और वहाँ का टेम्परेचर जो है वो आप रीडिंग ले सकते हैं उसके। यहाँ पे LED स्पॉटलाइट और लेज़र लाइट के लिए, लेज़र बीम लाइट जो है यहाँ पे, जो कि IC का अप्रोक्स सेंटर दिखाता है, उसके लिए स्विचेस है। और यहाँ पे जो टच स्क्रीन है उसके अंदर मेनली सारा ऑपरेशन मेनू है, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में दिखाऊं तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है, करंट टेम्परेचर अभी यहाँ पे दिखाएगा, अपर हीटर का टेम्परेचर, डाउन हीटर का टेम्परेचर, IR हीटर का और सेंसर का, चारों का टेम्परेचर यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे जब प्रोसेस चालू है उस टाइम पे स्टेप्स दिखाई देंगे और उसका टाइमिंग यहाँ पे काउंट डाउन दिखाई देगा। यहाँ पे जो है मेनूज दिए गए हैं, प्रोफाइल जो है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोफाइल सिलेक्ट करने के लिए दो यूज़र्स है, इसमें एडमिन यूज़र जो रहेगा उसमें ही प्रोफाइल एडिट हो सकेगा, यूज़र में ओनली ऑपरेशन हो सकेगा, कोई भी डेटा जो है मॉडिफाई नहीं हो सकता है। तो इसमें हम पासवर्ड फीड कर देते हैं तो ये जो है प्रोफाइल ओपन हुआ। इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग हीटर्स के लिए, अपर हीटर, डाउन हीटर और IR के लिए टेम्परेचर प्री सेटेड है। ये फर्स्ट नंबर की प्रोफाइल है जिसमें पांच स्टेप में अलग अलग स्टेप से हमें प्रोफाइल सॉरी टेम्परेचर इंसर्ट किया हुआ है। 165, देन 190, 210, 220, 240। सो इस प्रकार से टेम्परेचर जो इसके अंदर सेट किया जा सकता है। यहाँ से हम प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं, ये सेकंड प्रोफाइल, और डाउनलोड करेंगे तो सेकंड प्रोफाइल का डेटा जो है वो यहाँ पे लोड हो जाएगा। इस प्रकार से आप मल्टीपल प्रोफाइल्स डाल सकते हैं, जितना भी आप चाहो लोड कर सकते हैं, IC के हिसाब से ये डेटा जो है फीड कर सकते हैं। तो अब हम फर्स्ट नंबर के प्रोफाइल पे अगेन आ जाते हैं और उसका डेटा यहाँ पे लोड कर देते हैं जिससे उसका टेम्परेचर, जो कि पोजीशन, जो कि यहाँ पे प्लेसमेंट पोजीशन बताई है, प्लेसमेंट पोजीशन यानी कि IC को कितना नीचे आके ड्रॉप करना है उसकी पोजीशन है। ऑप्टिकल पोजीशन यानी कि कैमरा जो है वो, जब हमें दोनों IC और PCB का अलाइनमेंट सेट करना है तब कैमरा ऑप्टिकल पोजीशन पे रहेगा। ये हीटिंग पोजीशन है यानी IC को कितना पोजीशन पर रह के हीटिंग देना है वो है। तो इस प्रकार से ये सब पैरामीटर्स दिए गए हैं, वर्क पैरामीटर्स में जाके आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ओके, सो ये प्रोफाइल का मेनू हुआ। यहाँ पे जो भी प्रोफाइल अभी सिलेक्टेड होगा वो ओनली डिस्प्ले होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता है। यहाँ पे अलग अलग मोड दिए गए हैं, मैनुअल मोड यानी कि मैनुअल में रख के जब आप जॉयस्टिक ऑपरेट करते हैं तो ये जो अपर जोग है वो नीचे आएगा, अप एंड डाउन हो सकेगा जोस्टिक के द्वारा मैन्युअली। ये दूसरा मेनू जो है सेमी ऑटो, उसमें भी जोग आप अप एंड डाउन कर सकते हैं, उसके लिए जोस्टिक आप
एक बार क्लिक करके छोड़ देंगे तो ये अपने आप नीचे आ जाएगा। और वापस उसको ऊपर करके छोड़ देंगे, एक बार ऊपर करके छोड़ दिया तो अपने आप वो जॉग जो है ऊपर चला जाएगा। तो ये अगेन सेमी ऑटो फंक्शन भी अप एंड डाउन करने के लिए है जॉग को। और रिमूव, आईसी को रिमूव जब करना है तब हमें रिमूव मोड सिलेक्ट करके रन बटन प्रेस करना है, जिससे आईसी हीट होके रिमूव हो जाएगी और आईसी ऑटो पिक भी साथ में हो जाएगी, जो कि अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे। देन माउंट, आईसी को रिमूव करके क्लीन करके नए बॉल्स बना दिए हैं, फिर हमें उसको अलाइन करना है पीसीबी ट्रैक के साथ, तो उस टाइम पे उसको पिक एंड ड्रॉप करने के लिए माउंट मोड सिलेक्ट होगा, जो मैं आपको प्रैक्टिकल में एक्सप्लेन करूंगा। देन वेल्ड, अगर आईसी को रिमूव नहीं करना है, ओनली रीफ्लो करना है, ओनली हीटिंग खाली करना है, ड्राई हो गई है और खाली रीफ्लो करना है, तो वेल्ड मोड सिलेक्ट करके हम रन बटन प्रेस करेंगे तो आईसी जो है ओनली रीफ्लो होके हीटर जो है उसको हीट कर देगा, ड्राई सोल्ड होगा वो क्लियर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये सब रन और स्टॉप बटन, रन करने से प्रोफाइल रन होगी, स्टॉप से प्रोफाइल स्टॉप हो जाएगी, अलाइनमेंट ओके, जो कि हम आईसी को अलाइन करने के बाद अलाइनमेंट ओके बटन प्रेस करेंगे तो वो आईसी ड्रॉप होके हीटिंग अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। मैनुअल ऑपरेशन, टेम्पररी कोई चेंजेस करने हैं लोकेशन में, जॉग के लोकेशन में कोई टेम्पररी चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे हम चेंजेस कर सकते हैं, जो कि टेम्पररी होगा। यहाँ से हम ये जॉग को, जैसे जॉयस्टिक से हम अप डाउन करते हैं, वैसे यहाँ से भी कर सकते हैं, अप एंड डाउन यहाँ से भी कर सकते हैं। ये मैंने ऑफ कर दिया जिससे अभी ये वो नहीं होगा मूव। ओके, सो ये ऑपरेशंस मेनू है, तो अभी हम इसके ऊपर एक कोई भी आईसी निकाल के देखते हैं, जिसके लिए ये कुछ लैपटॉप के बोर्ड्स रखे हुए हैं जिसमें अलग अलग प्रकार की आईसी है, कोई भी आईसी इसके ऊपर हम रिमूव कर सकते हैं। ये उसका नॉर्थ ब्रिज है, ये साउथ ब्रिज है। ओके, ये आईसी जो है हम इसको यहाँ से रिमूव करके हम इसको रिमाउंट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर माउंट करना है। माउंट के बाद उसको टाइट कर देना है ये नॉब्स को, जिससे प्लेटफॉर्म मूव ना करे। और ये लेज़र बीम को ऑन करेंगे तो यहाँ से उसका अप्रोक्सली सेंटर जो है आपको पता चलेगा, अगर यहाँ पे सेंटर नहीं है तो प्लेटफॉर्म को थोड़ा यहाँ से मूव कर सकते हैं आप, जिससे कि पीसीबी जो है वो लेफ्ट और राइट मूव करके हम उसको सेंटर कर सकते हैं। ओके, सो ये अभी सेंटर माउंटेड है। ओके, अब हमें ये आईसी को रिमूव करना है। डाउन हीटर को भी हम एडजस्ट कर देंगे, जिससे उसको पीसीबी से 5 mm अप्रोक्सली नज़दीक रख के छोड़ना है उसको। देन अब हमें ये आईसी को रिमूव करना है, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले तो रिमूव मोड सिलेक्ट करना होगा। ये रिमूव मोड सिलेक्ट किया हमने, और रिमूव बटन मोड सिलेक्ट करके रन बटन प्रेस कर देना है, जिससे कि ये जॉग जो है वो नीचे आएगा और नीचे आके आईसी को हिट करना शुरू कर देगा। जो भी प्रोफाइल हमारी सिलेक्टेड होगी वो प्रोफाइल यहाँ पे रन हो जाएगी। ये अभी हिटिंग होना शुरू हो गया है, यहाँ पे टाइमिंग आप देख सकते हैं, और ये इस जगह पे उसका टेम्परेचर, अभी का करंट टेम्परेचर अपर हीटर और डाउन हीटर का दिखेगा, और यहाँ पे उसका ग्राफ दिखेगा जो कि राइज होना शुरू हो गया है। फ्रेंड्स, एक चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीजीए मशीन के अंदर जो टेम्परेचर राइजिंग है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राइजिंग टेम्परेचर का जो राइजिंग होता है वो प्रॉपरली एक्यूरेटली होगा, उसमें फ्लक्चुएशन अगर नहीं आएगा तो आपका जो बीजीए माउंटिंग है वो एकदम स्ट्रेंथफुल रहेगा, पीसीबी और आईसी जो है वो भी सेफ रहेंगे। तो जैसे अब देख रहे हैं कि उसका राइजिंग जो है टेम्परेचर का बहुत एक्यूरेटली राइज हुआ, और उसमें कोई फ्लक्चुएशन भी नहीं है, और एक लेवल पे आके वो स्टेबल हुआ अभी, क्योंकि इसका ये कॉन्स्टेंट टाइम है अभी, तो
जो प्रोफाइल में हमने डाला हुआ था 20 सेकंड्स का, उसमें अभी रन हो रहा है। तो अभी ये नेक्स्ट लेवल पे आ गया, अभी ये नेक्स्ट राइजिंग शुरू हुआ है दोनों हीटर्स का। तो अभी ये हीटिंग प्रोफाइल जो है वो फिनिश होने के नज़दीक है, जिससे कि एक बज़र आएगा और आईसी पिक होके ऊपर चला जाएगा। जो ये बज़र आया, प्रोफाइल फिनिश हो गई और आप देख सकते हैं आईसी जो है वो यहाँ से पिक हो गई। और ये आईसी जो है ऑटो पिक होके यहीं पे वैक्यूम जो है, वैक्यूम के साथ में वो आईसी जो है वो ऊपर आ गई है। तो इस प्रकार से बहुत एक्यूरेटली आईसी जो है सेफली, पीसीबी भी डैमेज नहीं होती है और आईसी में भी कोई बबल्स नहीं आता है। तो इस प्रकार से अगर हीटिंग प्रोफाइल, जैसे ये आप देख सकते हैं ग्राफ में, वो अगर ग्राफ आप देख सकते हैं कि एक स्टेबली स्टेबली राइज हुआ है और एक लेवल पे आके वहाँ पे वही टेम्परेचर पे एक्यूरेटली आगे बढ़ा है, और नेक्स्ट लेवल पे अगेन थोड़ा राइज होके फिर स्टेबल हो गया, अगेन थोड़ा नेक्स्ट थर्ड स्टेप पे राइज होके फिर स्टेबल हो गया। तो इस प्रकार से जो उसका जो एक्यूरेसी है वो परफेक्ट होना चाहिए हीटिंग का, जिससे कि आईसी जो है वो सेफली निकलेगी। तो अब यहाँ पे हल्का ठंडा हो गया है तो हम इसको आईसी को हटा लेते हैं, और अभी थोड़ा सा गर्म है आईसी। तो आप देख सकते हैं ये आईसी जो है वो बिल्कुल एक्यूरेटली निकल गई है और उसमें कोई बबल्स या कोई किसी प्रकार का डैमेज नहीं हुआ। तो अब ये आईसी को हम क्लीन करेंगे। आईसी और पीसीबी दोनों को क्लीन करना है और फिर उसके बाद में आईसी के ऊपर नए बोल्स लगा के उसको यहाँ पे रीमाउंट करना है। पीसीबी यहाँ पे क्लीन कर दी है और आईसी को भी क्लीन करके नए बोल्स बना दिए हैं। तो ये आईसी को पूरा नया बोल्स लगा दिए हैं। तो अब इसको अप्रोक्सली यहाँ पे सेट करेंगे, उसका 1 नंबर का पिन जो है असाइन करके अप्रोक्सली यहाँ पे सेट कर देंगे। फाइनल अलाइनमेंट हम कैमरा के ऊपर कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे रख दिया है और अभी इसको हमें पिक करना है आईसी को। तो यहाँ पे जो माउंट मोड है वो सिलेक्ट करना है, क्योंकि आईसी को हमें पिक करना है और उसका अलाइनमेंट करना है। तो माउंट मोड सिलेक्ट करके रन बटन प्रेस कर देना है, जिससे कि ये जॉग नीचे आएगा और आईसी को पिक कर लेगा। आईसी पिक होके जो ऊपर चला जाएगा, फिर हम कैमरा से उसका अलाइनमेंट कर सकते हैं आईसी और बी पीसीबी के ट्रैक्स का। अब हमें कैमरा को ओपन करना है, जिससे बीजीए आईसी और पीसीबी दोनों के ट्रैक्स हम यहाँ पे कैमरा के ऊपर देख सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे टॉप और बॉटम लाइट है, जिसको हम यहाँ से ये रेगुलेटर के द्वारा हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, बॉटम लाइट और टॉप लाइट को। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, व्यू के हिसाब से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें जो ब्लू कलर्स में दिख रहे हैं, ये बैकग्राउंड में आप देखेंगे तो ब्लू कलर से जो ट्रैक्स दिख रहे हैं वो बीजीए आईसी के लिए है, और जो येलोस दिख रहा है वो पीसीबी के ट्रैक्स है। तो हमें आपस में वो दोनों ट्रैक्स को मिलाना है। उसके लिए आईसी रोटेशन करने के लिए यहाँ पे एक माइक्रोमीटर दिया है, जिससे आईसी रोटेट होती है, और पीसीबी को मूव करने के लिए यहाँ पे एक्स और वाई डायरेक्शन के लिए माइक्रोमीटर दिए है, जिससे हम पीसीबी को एक्स और वाई डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो हमें दिखता है वो हिसाब से हमें माइक्रोमीटर घुमा के पीसीबी को या आईसी को जो भी मूव करना है वो मूव करके हमें आपस में दोनों बॉल्स को मैच करना है। तो जैसे अभी आप देख पाएंगे कि दोनों ट्रैक्स जो है वो बिल्कुल मैच हो गए हैं। ओके, तो ये
मैचिंग होने के बाद इसमें क्या है, कैमरा है तो कैमरा के में देखते हुए हम एग्जैक्टली बॉल को मैच कर सकते हैं, जिससे आईसी उसके परफेक्ट लोकेशन के ऊपर ड्रॉप होगी। तो अभी ये बॉल मैच हो गया है, कैमरे को हम अंदर जाने देंगे और यहाँ पे पीसीबी के ऊपर हमें फ्लक्स अप्लाई करना है। फ्लक्स नॉर्मल अप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। सर फ्लक्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, फ्लक्स अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और उसको एक पतले से लेयर में लगाना है, ज़्यादा हैवीली नहीं लगाना है। तो यहाँ पे फ्लक्स हमने अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे अलाइनमेंट ओके एक मोड है, जिसको हम दबाएंगे तो आईसी जो है वो नीचे ड्रॉप होके सीधा हिटिंग स्टार्ट हो जाएगा। जो भी प्रोफाइल यहाँ पे सिलेक्टेड होगी वो प्रोफाइल सीधी रन हो जाएगी। तो हम अलाइनमेंट ओके बटन प्रेस करेंगे, जिससे ये आईसी जो है नीचे ड्रॉप होगी और वहीं पे हिटिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आईसी जो है ड्रॉप भी हो गई है और वहाँ पे हिटिंग भी स्टार्ट हो गया। जो भी प्रोफाइल हमारी सिलेक्टेड है वो प्रोफाइल से हिटिंग भी स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हिटिंग ग्राफ जो है वो भी राइज होने लगा है और दोनों हिटर्स जो है अप एंड डाउन और आयर हिटर्स हिटिंग होना शुरू हो गए हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इसके अंदर हीटिंग जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी कि हीटिंग की जो साइकिल है वो टेम्परेचर राइजिंग जो है वो एक्यूरेटली होना चाहिए, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं आना चाहिए। अगर फ्लक्चुएशन नहीं आता है और एक्यूरेटली राइज होता है हीटिंग, तो बीजीए के जो बॉल्स है वो प्रॉपर मेल्ट होंगे और उसका ग्रिपिंग जो है वो स्ट्रेंथ बुलाएगा और आईसी और पीसीबी भी सेफ रहेगी, उसमें डैमेज होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो अभी ये प्रोफाइल ऑलमोस्ट फिनिश होने के नज़दीक है, अभी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगा। ये बजर आया, मीन्स कि प्रोफाइल जो है कंप्लीट हो गया, ये आईसी जो है वहाँ पे स्टिक हो गई और जॉग जो है वो ऊपर आ गया। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जैसे अभी आप ये ग्राफ देख रहे हैं कि बहुत ही एक्यूरेटली उसका राइजिंग रहता है और एक प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद वो स्टेबल रहता है। तो इस प्रकार से जो है आईसी जो है आपका सेफली माउंट होगा। सो फ्रेंड्स, ये हमारा जो R6860 विथ ऑप्टिकल अलाइनमेंट मशीन जो है उसके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल ऑपरेशन और सब बताया है। इसके बारे में अगर आप और जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, उसके ऊपर आप जानकारी ले सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।